नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 40X 5G versus Realme Nazo 70X 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 40X में 6.65 इंच जबकि 70X 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 40X से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 40X में 3.01 इंच जबकि 70X 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Note 40X में 0.33 इंच जबकि 70X 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 40X में 201 ग्राम्स जबकि 70X 5G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 40X में 6.78 इंचेस जबकि 70X 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 40X में 1080x2460px FHD+ और 70X 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 40X में 84.6% जबकि 70X 5G में 86.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 40X में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 70X 5G में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 40X में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और 70X 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मोनो कैमरा और आखिर में आई सेंसर देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 40X में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 70X 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 40X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 70X 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 40X में MediaTek Dimensity 6300 और 70X 5G में MediaTek Dimensity 6100+ मिलता है। बात करें RAM की तो Note 40X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि 70X 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 40X में 256GB जबकि 70X 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 40X में अप टू 1TB जबकि 70X 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 40X में 3 कलर्स जबकि 70X 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 40X में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस
12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 70X 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Infinix Note 40X 5G में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं Realme Narzo 70X 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Note 40X आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo K12 X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।